भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाना है। 17 फरवरी से इस मैच की शुरुआत होनी है, लेकिन इससे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हलचल है। स्पिन फ्रेंडली पिच पर भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे सीनियर प्लेयर नाथन लायन फेल रहे हैं और भारत के खिलाफ कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में अब उन्हें टीम से बाहर कर रिटायर करने की मांग हो रही है। टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने नाथन लायन को लेकर आक्रामक रूप अपनाया है। दूसरे टेस्ट से पहले फॉक्स क्रिकेट ने लिखा है कि 35 साल के नाथन लायन के अब दिन लद चुके हैं, कुछ ही वक्त वह ऑस्ट्रेलिया टीम में रह सकते हैं। आगे लिखा है कि शेन वॉर्न 37 साल तक क्रिकेट खेलते रहे, स्टुअर्ट मैगिल भी इतने साल तक एक्टिव रहे। नाथन लायन नागपुर की पिच पर कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, यही वजह है कि उनको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नागपुर टेस्ट में नाथन लायन ने 126 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट लिया था। अगर उनके ओवरऑल रिकॉर्ड को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 116 टेस्ट में 461 विकेट ले चुके हैं, इनमें से भारत में उनके नाम 8 टेस्ट में सिर्फ 35 विकेट ही हैं। दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़े बदलाव कर सकती है। टीम के सीनियर ओपनर डेविड वार्नर पर प्लेइंग 11 में जगह बचाए रखने का खतरा है, क्योंकि वह नागपुर टेस्ट में फेल रहे थे और उससे पहले भी भारत में उनका रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट डेविड वार्नर की जगह ट्रेविस हेड को लाने पर विचार कर सकता है। नागपुर टेस्ट में डेविड वार्नर ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर सिर्फ 11 रन ही बनाए थे। अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत ने उनका रिकॉर्ड देखे तो वह 9 टेस्ट में सिर्फ 399 रन ही बना चुके हैं। इस दौरान उनका औसत महज 22 का रहा है, यही वजह है कि डेविड वार्नर की जगह पर खतरा बना हुआ है। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम मिशेल स्टार कैमरून गिरन को प्लेइंग 11 में मौका दे सके। दूसरी ओर अगर टीम इंडिया को देखें तो दिल्ली टेस्ट से पहले श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में शामिल किया गया है, हालांकि वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे या नहीं इस पर संशय है, क्योंकि नागपुर टेस्ट में ही सूर्य कुमार यादव ने डेब्यू किया था। एक ही पारी के बाद उन्हें ड्रॉप करना मुश्किल लगता है।